जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी मिश्रा आपको दुनिया के नंबर वन ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सेज टीवी पर आज बताने वाली हूँ आपका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। आज मैं बताऊंगी कि सभी 12 राशि के जातकों के लिए अप्रैल मंथ हॉरोस्कोप क्या है, क्या कुछ खास होने वाला है आपके लिए साल 2021 के चौथे यानी कि अप्रैल के महीने में, और क्या कुछ आपके साथ वो घटने वाला है जो आप नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ आपको उपाय भी बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में कि अप्रैल का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। दरअसल सूर्य देव का गोचर अपनी उच्च राशि अर्थात आपकी राशि में होने से आपके अंदर का जो लीडरशिप करने का एक क्वालिटी है आपके अंदर की, उनकी जो गुण हैं, वो जो सारे गुण हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाले हैं। सभी क्षेत्रों में आपको ये गुण सफलता प्रदान करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ शनिदेव और बृहस्पति देव आपके दशम भाव में रहेंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले हैं, और ये महीना आप में तेजी से वृद्धि लाता हुआ नजर आएगा। करियर के लिहाज से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो सभी पहलुओं पर एक के बाद एक हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर कैसे रहने वाला है अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों का जानते हैं। अप्रैल का महीना मेष राशि के लोगों के करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस महीने कुछ महत्वपूर्ण ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और इन सभी राशि परिवर्तनों का, इन ग्रहों के राशि परिवर्तनों का आपके जीवन पर अलग अलग तरह से प्रभाव और उसकी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। 6 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, जिसकी वजह से आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। इसके बाद आपकी जो जॉब है उसमें आपको बहुत अच्छे प्रमोशन के जो है चांसेस भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ 14 अप्रैल की अगर बात कर ले तो सूर्य का गोचर आपकी राशि में होने वाला है, और इसकी वजह से आपके जो मान सम्मान में प्रतिष्ठा होने वाली है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इस समय जो है आपका जो काम है वो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। साथ ही साथ आपको पदोन्नति भी मिलेगी। बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो भी ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे एजुकेशन की यानी कि शिक्षा की। तो जो भी विद्यार्थी मेष राशि वाले जातक हमारे विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ खास है इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अप्रैल का महीना उनके लिए मिश्रित परिणाम यानी कि मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है, यानी कि आप अप एंड डाउन से थोड़ा सा गुजर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी सूर्य की द्वादश भाव में उपस्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, विदेशी कॉलेज के दाखिले के बारे में सोच रहे हैं, अभी उनको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। 6 अप्रैल की बात अगर कर लें तो बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करेंगे, जहां से आपके पंचम भाव को वो देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में आपके रौनक यानी कि बहार आ जाएगी, और आपकी जो पढ़ाई की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी एकाग्रता जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात 14 अप्रैल की कर लेते हैं यानी कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते की। तो मेष राशि में जो भी ये जो जातक हैं आपकी राशि में लौट कर आ रहे हैं, सूर्य के मेष राशि यानी कि आपकी ही राशि में लौट के आने की वजह से विद्यार्थियों के लिए ये टाइम जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। अपनी पढ़ाई को लेकर के आप बहुत ज़्यादा जागरूक रहने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी आप करेंगे, जिससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पारिवारिक जीवन की यानी कि फैमिली लाइफ की। तो अप्रैल की जो ये जो मंथ है आपके लिए, शुरुआत में आपको एक दूसरे के जो आपके साथ जो रिलेशन है आपके दूसरे भाव में, राहु और मंगल की उपस्थिति आपके कुटुंब में थोड़ा सा जो है परेशानियां खड़ी करने वाला हो सकता है। ऐसी जो है ये ग्रह दशा की चाल जो है वो दर्शा रही है, किसी न किसी बात की वजह से परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है, थोड़ी सी तनातनी हो सकती है, लेकिन परिवार तो आखिर परिवार है और अपने हमेशा अपने ही होते हैं। इस वजह से परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाएंगी, बस आपको क्या करना है अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम बनाकर रखना है, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपनों से कुछ ऐसा ना कह बैठे जिसकी वजह से उनका दिल टूटे। 14 अप्रैल की बात कर ले अगर तो मंगल का गोचर आपके तीसरे भाव में होने से इस स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो जाएगा, और आप में जो आपस में चली आ रही दूरियाँ थी वो एक बार फिर से
ठीक हो जाएंगी। इस महीने आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य के लिहाज से उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो जो आपको भी परेशान कर देगी, इसलिए पिताजी का ध्यान रखें, उनको टाइम पर उनकी दवाएं, उनका खाना हर चीज़ दें। उनकी पूरी हेल्थ के बारे में अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वास्थ्य हमेशा सही बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। तो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, इस पर बात करते हैं। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो महीने की शुरुआत तो थोड़ी सी सामान्य सी ही जाएगी। हो सकता है कि आपके प्रियतम किसी आवश्यक कार्य की वजह से शहर छोड़कर थोड़ा सा दूर भी चले जाएं, उनसे मिलने की आपकी जो इच्छा है वो अधूरी रह जाए। 6 अप्रैल से बृहस्पति के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आपके प्रेम संबंधों में फिर से बहार आ जाएगी, आपका रिश्ता जो है वो फिर से खेल उठेगा। विवाहित जातकों की अगर बात कर ले तो शुक्र का ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपका जो दाम्पत्य जीवन यानी कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसका जो प्यार है, जो आकर्षण है वो बढ़ता ही चला जाएगा और आप दोनों के बीच जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल तौर पर। तो आर्थिक लिहाज से अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत बेहद कमजोर होगी। आपके द्वादश स्थान में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति और उस पर शनि की दृष्टि आपके खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है, ऐसी ग्रहों की चाल कह रही है, जो आपको आर्थिक तौर पर थोड़ा सा हिलाकर रख सकती है। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव में भी राहु और मंगल की उपस्थिति होने से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य बनाना है, अपने खर्चे के लिए एक बजट बना के चलना है। अगर आप एक बजट बना करके प्लान बजट का करते हैं और उसके बाद अपने पैसों को खर्च करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत हद तक अपनी इन आर्थिक तौर की परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और हेल्थ की बात कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो हेल्थ को अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। चलिए बात करेंगे कि अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। ये महीना आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। द्वादश और द्वितीय दोनों भाव पीड़ित होने की वजह से आपके जो है जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है। भोजन से संबंधित कोई समस्या आपको पैदा हो सकती है और इसके अलावा आँख से संबंधित समस्या, मुंह में छाले हो सकते हैं, दांत का दर्द हो सकता है, हल्का सा बुखार या फिर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको लगातार परेशान करेंगी। इनसे बचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, परहेज करना है और उसके बाद आपको सही तरीके से अपना ख्याल रखना है ताकि इन छोटी छोटी परेशानियों से आप निकल सकें और ये परेशानियाँ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं अंत में कि आपको उपाय क्या करना है। तो उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन यानी कि रोजाना सूर्य आराधना करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन में आ रही परेशानियों से आपको कुछ हद तक निजात मिलेगी। इसके अलावा अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए, आपके लिए शुभ रहने वाला है। और अगर संभव हो तो पीले रंग का एक रुमाल आप अपनी जेब में रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको देखिए निश्चित तौर पर इसका क्या परिणाम मिलता है। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो सबसे पहले आपको मेरा ये वीडियो लाइक करना है और अपने सभी साथी दोस्तों को शेयर करना है, रिश्तेदारों को भी शेयर करना है। जिस राशि के वो जातक है उन्हें उनके बारे में क्या कुछ खास होने वाला है अप्रैल के महीने में ये बताना है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। मेरे सहयोगी और मैं तमाम तरह की सभी जानकारियां आपके लिए समय समय पर लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं और मेरे साथियों के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई निजी समस्या है जिसके बारे में आप निवारण पाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ हमसे संपर्क करना है। तो हमसे संपर्क करने के लिए warta.astrosage.com पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तमाम विद्वान ज्योतिष आपके साथ आपकी समस्या पर बात करेंगे और आपको बताएंगे उनका उपाय। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। आप सभी के लिए मैं प्रभु से यही कामना करती हूँ। जय माता दी।